सबसे पहले तो आज इस सभागार के सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज एयरपोर्ट देवघर परिसर के इस प्रांगण में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहां उपस्थित राज्य के हमारे राज्यपाल महोदय रमेश बैस जी, यहां उपस्थित केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद महोदय और इस सभागार में मौजूद सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस के मित्रों, आप सबका मेरी ओर से आज की इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सांसद महोदय और इस सभागार में मौजूद सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस के मित्रों, आप सबका मेरी ओर से आज की इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आज हम लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहां से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहिबगंज में भी जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूं। और निश्चित रूप से जो वर्षों से ये राज्य जहां का तहां खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़ा हाल परगना के लिए विशेष रूप से मेरा यह मानना है, किसी मकान को, किसी महल को बनाने के लिए मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि वो महल या मकान बनने के बाद उसमें रहने वाले लोग मजदूरों को भूल जाया करते हैं। उसी प्रकार ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं, वर्षों से अपना योगदान दे रहा है, अपना छाती फाड़कर लोहा, कोयला, अनेक खनिज संपदाएं वर्षों से देश को उपलब्ध करा रहा है।
और आज बारी है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है और भी इसको बड़ा करना है, 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित कि वो महल या मकान बनने के बाद उसमें रहने वाले लोग मजदूरों को भूल जाया करते हैं। उसी प्रकार ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं बरसों से अपना योगदान दे रहा है, अपना छाती फाड़कर लोहा कोयला अनेक खनिज संपदाएं बरसों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और आज बारी है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है और भी इसको बड़ा करना है, 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित कई बातें हैं, कई चीजें रखने की मंच में भी है, लेकिन आज जिनको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं हम इनका बात इनकी बातें सुनेंगे, इनकी आशीर्वाद लेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज इस देवनगरी में बाबा वेदनाथ जी के देवनगरी में पुनः देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं, जोहार करता हूं, धन्यवाद।